क्यों कर? मैं अपने घर वालों को तुम्हारे भेजना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं सनी? समझ नहीं आता कि जब मैं आपको देखता हूं तो कुछ और देखने जैसा रहता ही नहीं। काम था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा मुझे। ऐसे क्या आप पता है? मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके मतलब जब आप मेरे साथ होते हैं ना तो इसलिए अच्छी लगती हूँ, और दिल करता है कि मैं हमेशा तैयार रहूँ ताकि आप खुश रहें। मैं मुस्कुराती रहूँ कि आप मुझे देखते रहें। सब अच्छा ही बस ठीक। फिर ऐसा करते हैं कि घर पे रहते हैं और जिन्हें प्लान नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई। नवीन दो दफा कॉल कर चुकी है डिनर पे। हाँ तो क्या हो गया, कोई बहाना कर देंगे? नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई। आप ऑफिस से भी छुट्टी लेकर आए और अब बाहर जाने का तो कोई बहाना नहीं होता। भाभी वो अम्मी मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से सच्ची कुछ नहीं देखा मैंने। नहीं ऐसा चुभाने वाला था क्या यहाँ पे? क्या हो गया तुम्हें? सॉरी भाभी वो अम्मी आपको बाहर बुला रही हैं, आ जाएं। हाँ आई स्वेयर कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा मैंने। मैं तुम्हें 10 दफा कह चुका हूँ कि दरवाजा नॉक करके आते हैं। आती हूँ। चलो डन हो गया, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके हाँ मैं कह देती हूँ, बाय। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो असल में मैं तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि मेरी कल कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए, अगर हो सके तो 3-4 बजे के करीब फ्री रहना। जी निम्रा, बेटा तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? नहीं अम्मी वो होता है ना जब आप दरवाजे बंद करें तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि वो लॉक्स हमें लगवा लेने चाहिए। क्यों? हमारे घर के लॉक्स तो बिल्कुल ठीक है। फिर भी अब देख लेना चाहिए ना कि दरवाजा लॉक है भी या नहीं, कि कहीं ऐसा ना कुछ देख लेना जो ना देखना हो। बहुत ही फजूल बातें करती हो तुम। कुछ नहीं बेटा, तुम कहीं जा रही हो? जी वो साइम के तो उसके घर डिनर है। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर हो सके तो मेरा एक काम कर देना, मैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन भेजती हूँ, मेरी और इजाज़ की कुछ मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं, अगर पॉसिबल हो तो वापसी पर लेती है ना। जी जी मैं ले आऊँगी। मैं भेजती हूँ। आई डिडंट डू एनीथिंग। पता है पिछले कुछ दिनों में जिंदगी ने एक 360 डिग्री टर्न लिया और फाइनली मुझे खुशी मिली। तो पता नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे जिंदगी और मैं अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जिंदगी और मैं साथ साथ चल रहे हैं। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो हिम्मत हार जाता, बट आई एम रियली सॉरी यार। बाकी सब की तरह मैं भी कन्विंस हो गया था कि तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल सिर्फ डिवोर्स है, बट हम सब गलत थे। ऐसे ही वाकई में तुम लोग सभी गलत थे, क्योंकि फजर मेरी ज़िंदगी,
मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके बगैर अब जिंदगी कभी गुजारूं। लेकिन पता है शायद ये सब किस्मत का भी खेल था और किस्मत हमें चाहती थी कि हम साथ हैं। लेकिन एक फीलिंग है, एक डर सा लगा रहता है कि कुछ बिगड़ ना जाए। अब क्या बिगड़ेगा? जितनी मुश्किलों से मैंने अपनी खुशी हासिल किया, जिन ऊंचे नीचे रास्तों से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो ये खौफ तो शायद जिंदगी भर ही रहेगा कि कोई फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई सब बिगड़ ना जाए। रिलैक्स। देखो तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि भाभी की मेंटल कंडीशन, फिर आंटी का रवैया, फिर भाभी का घर छोड़कर चले जाना, फिर सारे मामलात का डिवोर्स तक पहुंच जाना। तुम्हारी जगह कोई और भी होता, उसे भी यही धड़का लगा रहता कि फिर से सब बिगड़ ना जाए। पर तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। इंशाल्लाह। याद है कैसे आई थी तुम मेरे पास हॉस्पिटल में, डरी हुई, सहमी हुई? ऐसा लगता था यार क्या होगा इस लड़की का, कैसे सरवाइव करेगी? और अब दिल करता है तुमसे टिप्स लें। माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट, लहजे में कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात के साहब जितनी देर यहाँ बैठा रहा उसकी नजर तुमसे हट नहीं रही थी। क्या जादू किया है भाई? थोड़ा जादू तो एंटी डिप्रेसेंट्स ने किया है और बाकी साइम ने। पता है रिलेशनशिप खराब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते, और जितनी बात करते हैं बस उतनी करते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। हर कोई अपना मुकदमा लड़ता है, सही बात तो कोई करता ही नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ऐसा ही रहे। अब ऐसा ही रहेगा, और अब कोई तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी हेल्प करूं अम्मी? हाँ तो नहीं, तबीयत भी ठीक है। क्या मैं आपकी हेल्प नहीं करती किचन में? करती हो, लेकिन कल से तुम्हारी जो टोन है ना, किसी और ही स्टेशन पे रुकी हुई है। क्या बात है? बात तो कोई नहीं, वो दरअसल मैं कोई ऐसी भी बात है दुनिया में जो कहते हुए तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाए? नहीं, मैं सोच रही थी कि जैसे अब फजर की शादी हो गई है और वो अपने घर में कितनी खुश है और सब सही हो गया। माशाल्लाह। आगे वो क्या कहते हैं पुरानी फिल्मों में कि लड़कियां पराया धन होती हैं? लड़कियां पराया धन होती हैं, ये कौन सी फिल्म में देखा है तुमने? मैं पता नहीं क्या बकवास कर रही हूं। अल्लाह पाक तो जिसको ये चाहती है ना, उसको इसके हक में बेहतर से बेहतरीन फरमा दे। मैडम साहब, मजदूरों ने पूरी रात की शिफ्ट लगाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कल शाम तक जाफरी साहब का ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। मैडम साहब, जाफरी साहब के ऑर्डर के बाद जमील साहब का ऑर्डर तैयार करना है या सलमान साहब का?
एडम साहब, जमील साहब का ऑर्डर इसके बाद या सलमान साहब का? कल जब ऑर्डर चला जाएगा तब बताऊंगी। अच्छा जी, बेहतर हूँ एडम साहब। अभी तक सो रही हो? क्या हूं लगाई हुई है, बात करनी है तुमसे। मैं सुन रही हूं, बोलो। रेडियो नहीं हूं कि तुम्हें सुनाऊं, बात करनी है, सजेशन लेनी है। हां बोलो ना, मैं दूंगी सजेशन। अच्छा सुनो, ये शादीशुदा जिंदगी जो होती है कैसी होती है? मतलब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं मैं तो नहीं समझ रही। फजर मुंह धो अपना और जिंदा हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आके बात करती हूँ। सुन रही हो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ओके बाय। क्या बात है, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही? वो तुम्हारा नहीं, अपना फोन नहीं उठा रही, तुम तो उसे कॉल कर रहे हो। मेरे ख्याल में उसका मूड नहीं है तुमसे बात करने का। यार आप प्लीज अपना फोन छोड़ें, मुझ पे ध्यान दें, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो दें। मैं अच्छा चलो लो, मैंने ये फोन बंद किया, अब बताओ क्या बात है, किस चीज की बेचैनी है तुम्हें? भाई मैंने नूर से कहा कि मैं से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत बात की है। मेरे ख्याल में तो तुमने बहुत गलत बात की है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। किसको? बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा सारा दिमाग थाने में ही चलता है क्या? क्यों कह रही हैं आप ये? क्योंकि बच्चे, वो लड़की है तुम्हारा कोई मातहत सिपाही नहीं है, जिसे तुम कहो बैठ जाओ तो बैठ जाएगी, खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाएगी। तुमने जो बात कहनी थी कह दी ना, अब उसे सोच समझकर फैसला करने दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके सर पर घर की कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, और बार बार ना उसे ये कॉल करना बंद करो। अच्छा कॉल करना बंद करो। ओ जी ओ, कितना इंतजार करो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? क्यों तंग किए जा रहे हो? जाओ जाओ जाके वहां बैठो, वरना इतने बड़े हो गए पुलिस में आ गए। अच्छा ना, जा रहा हूं जा रहा हूं। थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, लेकिन बात इतनी आगे तक चली जाएगी ये नहीं पता था।
ऐसे दिखने में तो अच्छे हैं ना, नहीं? ठीक है बस। अच्छा शक्ल ठीक है उसकी, पढ़ा लिखा है, मजाहिया है, फैमिली अच्छी है, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो मैं श्योर नहीं हूँ शादी के लिए। अब तुम्हें अच्छा लगता है, खानदान में किसी को मसला नहीं है, तो शोर ना होने वाली कौन सी बात है? फजल, मैंने एक ही शादीशुदा जिंदगी देखी है, अम्मी और अब्बू की, और मैंने वैसी बीवी नहीं बना जैसे अब्बू ने अम्मी को बना दिया। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने जिंदगी में अम्मी को पता कब खुश देखा है? जब से अब्बू बिस्तर पर पड़े हैं। मतलब क्या फायदा ऐसी शादी का यार? और दूसरी और सबसे अहम बात यह कि मैं शादी करके उसके घर जा ही नहीं सकती, तो इतनी अच्छी फैमिली का फायदा ही क्या जब मैं उनके साथ रह ही नहीं सकती, उनको बहू ही नहीं मिलेगी। देखो मैंने भी तो की है ना शादी, मैंने भी वो कदम उठाए जो मुझे नहीं उठाने चाहिए थे, मैं कितनी दफा गिरी लड़खड़ाई, लेकिन साइम ने मुझे संभाल लिया। और पता है मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदा ही शादी के बाद हुई हूँ, इससे पहले मेरी कोई जिंदगी ही नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी जिंदगी शादी के बाद कैसी होगी, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर, अब्बू, अम्मी, मैं बीवी होने की जिम्मेदारी तो नहीं अभी ले सकती। सही कह रही हो तुम, लेकिन दिल को मार कर जियोगी तो लम्हा लम्हा मरोगी। क्या करूं? तो फिर बात करो नासिर, नासिर भाई तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें और कुछ बताओ ना, फिर देखो क्या कहते हैं। क्या कहेगा वो? जाहिर सी बात है उसे बीवी चाहिए ना, और मैं जाके उसे बताऊं कि मैं बीवी बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो क्या कहेगा? कहेगा ठीक है खुश रहें आप, नहीं करते शादी तो नहीं करूंगी शादी। कोई ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो शादी के बाद करीब तक ना आने दे? अगर मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं, मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, तो तुम तो बहुत बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे पूरा यकीन है कि नासिर भाई को तुम्हारे मसलों से कोई मसला नहीं होगा। नासिर भाई, बस क्या दांत बंद करो मैं? क्या बस ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी बहू है निलोफर आपकी, बिल्कुल जैसे आपने कही थी, माशाल्लाह। शुक्रिया। दोरों का पूछो, दोरों का। मैं पूछूं, आप क्यों नहीं पूछ लेती? फजर, तबीयत कैसी रहती है अब तुम्हारी? जी, आपको फिट्स पड़ते थे। नहीं सीमा, कैसी बातें कर रही हो, कोई फिट्स वगैरह नहीं पड़ते। कम ऑन निलोफर, मुझे सब पता है। मुझे क्या, सभी को सब पता है, वैसे भी कभी कभी हो जाता है किसी के साथ। वैसे तुम दोनों के बीच में सब सही तो है? मैं आती हूँ। हाँ बेटा। आई होप तुम्हें इससे कोई खतरा तो नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी उसके सामने? ओह माय गॉड, क्या गलत कहा मैंने? तुम तो ऐसे ही सेंटी हो रही हो, मैंने तो सिर्फ तबीयत ही पूछी थी। अस्सलाम वालेकुम। पूरा टाइम लगा के आया हूँ आज ऑफिस, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपका हुक्म था और उसे मैं कैसे टाल सकता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक था? सब ठीक है। आप चीज़ चेंज कर लें, मैं
चाय लेकर आती हूँ। सर अब आप मुझसे बातें छुपाएंगे? मम्मी ने कुछ कहा? अम्मी की कुछ दोस्त आई थी, वो ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे बस ऐसे ही ना तनी रोना आ गया बस। मैं अम्मी से बात करता। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है ना, मैं शाम में बात कर लूँगी खुद ही। Are you sure? मैं चाय ले आती हूँ। फजर बट आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं आप क्यों सॉरी कह रही हैं? नहीं वो जिस तरह मेरी दोस्त ने बातें की उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी सर में दर्द हो रही चाय। अरे वाह 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 वाह, कीमे के समोसे। हाँ भाई ने फरमाइशी थी ना। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो पूछेंगे कि किसकी पसंद के खाने बनाती हो। बिल्कुल आए तो हुए हैं दो तीन अच्छे रिश्ते निमरा के लिए भी, अब देखते हैं। अम्मी क्या हो गया आपको, आप भी भाभी के साथ मिल गई हैं? हाँ अच्छा अच्छा नाराज मत हो, नहीं करवा रही तुम्हारी शादी। हाँ फिलहाल। अच्छा साइन कहाँ है? वो दोस्तों की तरफ का है, आते ही होंगे। ठीक है। फजर बेटा एक काम करना, गेस्ट रूम की सफाई जरा अच्छी तरह करवा देना, चेक कर लेना सब कुछ। ठीक है ठीक है। अरे चाय तो पी लो, मूड नहीं मेरा अभी। तो कहा था कि सर में दर्द है और मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ही मूडी, बाद में पी लेगी, तुम खाओ। खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। ये तो एक बहाना है, असल वजह क्या है? अभी असल वजह आप जानती हैं। आपको कितनी दफा कह चुकी हूँ कि भाई के दोस्त के इस घर में आ रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई फील अनकंफर्टेबल, आई डोंट लाइक हिज प्रेजेंस। निमरा बचकाना हरकतें मत किया करो, दोस्त होने के साथ साथ वो हमारे रिश्तेदार भी हैं और ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना उनसे? ये दुश्मनी ये बात नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मेरा अपना एक प्राइवेट स्पेस है, वो खामखाए फ्री होते हैं, हर बात में टांग अड़ाना मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। असल वजह पता है क्या है? तुमने ना खुद को बहुत जल्दी बड़ा समझना शुरू कर दिया और वो तुम्हें अभी भी अपनी छोटी सी कजन समझता है, इसीलिए मजाक करता हूँ। अम्मी आप जो भी समझ लें मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, अब हम तुमसे बहुत सोच समझकर कोई मजाक क्या करेंगे, ठीक है? बस खुश, अब मूड सही करो, मैं खाना भिजवाती हूँ, खाना खा लो। पर्चा रख लिया था जिसमें घर का सौदा लिखा है। ये वक्त ही सही नहीं है घर से निकलने का, थोड़ा पहले निकल जाते। ये काम कर रही थी। जी जी सर मैं उनकी गाड़ी जा रही है, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ सर। कहीं रुकी नहीं अभी तक? नहीं सर रुकी कहाँ है, वो तो चलते ही जा रहे हैं। फंस गया हूँ यार। तुम
कुछ दिन पहले कहीं तबादले का कह रहे थे ना? बस सर, वहां की बद्दुआ हो गई तभी भर्ती हो गए पुलिस में। ये भैया पुल के नीचे से मत जाइएगा, साइड से निकल, अभी सी लेन में लगे, नीचे से ही जाना पड़ेगा। अरे वो साइड पे मार्केट है ना, जो स्टोर है, जिसे घूम के आ जाएंगे। इस वक्त इतनी ट्रैफिक में लेफ्ट कैसे जाएगा? गाड़ी चला रहा है, चला जाएगा। चलें भाई लेफ्ट ले लें प्लीज। जी जी सर, उसी रोड पर हूँ, वो जाती जा रही है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ बस। सर वो उनकी गाड़ी रुक रही है सर, अभी एक स्टोर के पास रुक रही है सर, जो बड़ा सा स्टोर है सर, सुपर स्टोर जो है शाकिर वाला, जिससे हमारा बंधा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बस जी वहीं रुक गई गाड़ी जाके। जी मैडम साहिबा और उनकी अम्मी जो है ना, वो उसमें से उतर के स्टोर में जा रहे हैं। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। अल्लाह। अम्मी सुना है? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। वो स्टोर नहीं है जहाँ से आप अपनी ग्रोसरीज खरीदती हैं। क्या हुआ, डाका पड़ गया क्या? नहीं नहीं, कोई डाका नहीं पड़ा, वहाँ पे 50% ऑफ है, सेल लगी हुई है। चले मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, सुबह मैं सारी ग्रोसरी लेकर आई हूँ और मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा रही कहीं भी। अरे घर में चीजें कैसे हो सकती है, आप समझ दे रही है, 50% ऑफ यानी कि कितना सारा सामान खरीद सकते हैं, इतनी महंगाई का जमाना है। तुम सेल और 50% में कब से इंटरेस्ट लेने लगे? जरूरी है, मेरा सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा, समझ नहीं अच्छा, है। चप्पल तो पहनने तो क्या आफत मचा दी है तुमने, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? मेरा शैम्पू रहता है, मेरे साबुन रहता है, मतलब किचन का। क्या आफत मचा दी है तुम्हें, चप्पल तो सीधी कर दे। चप्पल पहने पहने मैं आपको सीधी कर दूंगा। नहीं नहीं बस छोड़ो। आए सर, क्या हो, क्या देर हो रही है, वहां खत्म हो जाएगी। मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्या लेके। अरे कुछ नहीं होता, जरूरत तो पड़ी जाती है चीजों की। नासिर, सब चीजों की कीमतें तो वही थी जो सुबह को है, क्या बदल गया? कीमतें तो वही होंगी जो सुबह की होंगी, रोज थोड़ी बदलती है। तो मुझे क्यों यहाँ लाए हो उल्लू बनाने के लिए? मुझे क्या पता, मुझे तो यही बोला था कि वो यही है। कौन कौन यही है? सेल और कौन? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या क्या है तुम्हें? ये वगैरह। सर अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी अम्मी है, वो समीर था नहीं घर पे, इसलिए मैं उनके साथ आ गया। तुम? अरे तुम भी सर। आपको मैडम मिल गई सर? मिल गई ना, आकर आप बताएं सर। मैंने तुमसे कहा था कि अंदर आके कंफर्म करो कि मैडम मिल गई है नहीं। लेकिन सर मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आके चेक करूं, आखिर आपने मुझे मैडम के घर से उनका पीछा करने को कहा था, कोई तो जरूरी बात होगी। बस इस पर जरूरी बात है कि तुम सीधा थाने जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूं। गुड जॉब, थैंक यू। लेकिन सर वो थाने। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, मुझे लगता है कि अब मुझे आपके घर आना पड़ेगा। अरे जरूर, जब आपका दिल करे। आई भाभी, हम कुछ आई। कि भी मैं फोन करने की कोशिश कर रहा था काफी दिन से, तो हाय अल्लाह, घर में सब रख दिया, पहले छोड़ तो नहीं दिए? नहीं अम्मी। चले भैया, तुम्हें ना मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो लोग वहां आ रहे हैं। अम्मी मुझे नहीं पता था कि नासिर यहाँ आ जाएगा। मुझे लड़का अच्छा लगा है, उसकी अम्मा आ रही हैं कल। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। हाँ तो सोच लेना आराम से, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं उस लड़के के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। आप ही ना ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं प्लीज, मैंने भी कुछ बातें करनी है उससे, और हो सकता है कि बात करने के बाद हम लोग अलग रास्ते पे चलने का फैसला कर लें। अरे ऐसी कौन सी बात करनी है? मैं बता नहीं सकती, बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं जो भी फैसला करूँगी ना हम सबकी बेहतरी के लिए करूँगी, बस आप मुझ पर भरोसा करें। लड़का तो अच्छा है वैसे। हाय अल्लाह, प्यारे लगते हो तुम दोनों साथ।
मूछें देखी है उसकी? अच्छा अम्मी सामने देखें, वो देखें कबूतर। प्यारा बच्चा मेरा, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? भाई तुम फोन नहीं उठा रही थी तो क्या इसका मतलब है मेरे पीछे पुलिस लगवा दो? यार भाई मुझसे रहा नहीं गया, तो बात करनी थी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नासिर, कल तुम्हारी अम्मी आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले हम दोनों मिले। अम्मी के बाद तो हम जिंदगी भर के लिए मिल जाएंगे। मैं सीरियस हूँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अच्छा अगर मजाक नहीं कर रहे तो कल सुबह मुझसे मिलो, कुछ बातें डिस्कस करनी है, और अगर उनके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए तो भेज देना अपनी अम्मी को। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मिलना जरूरी है तो कल मिलते हैं, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। मेरे पे तो पहले से बहुत जिम्मेदारी है, कारखाना भी मुझे चलाना है, अबू को अस्पताल भी मुझे लेके जाना है। अम्मी तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं, फजर के मसले चल रहे होते हैं वो भी मुझे हैंडल करने हैं। मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है कि मेरे पास सबके लिए तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें मेरी जात से भी कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, लेकिन मैं अपने घर वालों को सब छोड़ नहीं सकती। तो मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मेरे साथ रहो, तो तुम रहोगे? देखो तुम जानती हो कि 3 साल पहले अब्बू का इंतकाल हुआ, अम्मी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, समीर अभी पढ़ रहा है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मगर अगर मैं अपने खानदान के साथ ही सिंसियर ना हो सका तुम्हारे साथ क्या सिंसियर? वही तो, अगर आज मुश्किल वक्त में मैं अपनी खुशी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दूंगी तो कल को तुम पे अगर परेशानी आए तो तुम्हें भी तो छोड़ सकती हूँ। तो फिर तुम बताओ सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे हालात ऐसे हैं नहीं कि हम शादी कर सकें, मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जिंदगी भर के लिए जा रही हूँ, एक बार मेरा दिल रखने के लिए साथ चलो।
खुदा हाफिज़। तारो आराम से ये इधर रखो यार, इधर रखो। क्या ये वाला उठाओ, इधर से उठाओ, वो उठाओ और ये इधर रखो। हाँ आराम से। हाँ भाई साहब जी, आपको मैंने कहाँ देखा है? मुझे नहीं, मुझे तो कहीं नहीं देखा आपने। आप गोदाम में होते हैं? नहीं गोदाम में तो बिल्कुल। इन सबको आप? नहीं नहीं, आप आपने आप लोग थाने में होते हैं? नहीं नहीं, हम में से किसी को नहीं देखा आपने। नासिर हंस क्यों रहे हो? क्योंकि वो मेरा सामान ही शिफ्ट कर रहे हैं और तुमने उन दोनों को थाने में देखा। देखो मैं जानता था कि तुम अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। हम लोग वैसे ही रेंट पे रहते हैं, बहुत पकाऊ मालिक मकान है। ये घर किराए पे मिल रहा था, मैंने ले लिया, बस बीच की दीवार तोड़वा ली। आई होप के तुम्हें आप मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारी पिस्तौल है? पिस्तौल क्यों? मैं गोली मार रही है।